गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यावारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे बच्चों विद्युत धारी था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए, अपन ने पिछले वीडियो में इसका थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि बेटा मैं जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं पहले उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो कल अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ध्रुवण पढ़ा था, ध्रुव पैरा विद्युत पदार्थ पढ़े थे, क्या क्या होते हैं पैरा विद्युत पदार्थ, कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह अपन उसे पिछले वीडियो में पढ़े थे। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो विद्युत धारिता क्या होती है? सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है बच्चों कि ये विद्युत धारिता होती क्या चीज़ है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको अपन कहते हैं विद्युत धारिता। ओके स्टूडेंट्स, द कैपेसिटी होती है, ये एक तरह से कैपेसिटी वर्ड जो हुआ है कैपेसिटेंस धारिता, वह आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, आवेश को चार्ज को लेने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं विद्युत धारिता कहते हैं। और विद्युत धारिता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारिता को अपन कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखिए, अपन क्या, ये विद्युत धारिता क्या होती है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता किसी भी चालक की। अगर अपन मान लीजिए किसी चालक को क्या दे रहे हैं? आवेश दे रहे हैं। मान लीजिए अपने को उस जो चालक है उसको धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, या ऋणावेशित करना है तो उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। मान लीजिए अपन ने किसी चालक को अपन ने क्या कर दिया बच्चों? धनावेशित कर दिया या ऋणावेशित कर दिया। अब हमें उसे और आवेशित करना है तो आवेशित करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको क्या कर दिया बेटा? ऋण आवेशित कर दिया। इस पूरे जो चालक था अपना उसको मैंने क्या कर दिया? ऋण आवेशित कर दिया, अर्थात इसमें से इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल लिया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसको और अपन क्या देना चाहते हैं? आवेश देना चाहते हैं इसको, और चार्ज क्या करना चाहते हैं? देना चाहते हैं। अब देखिए, और चार्ज देंगे, कौन सा नेगेटिव चार्ज देंगे? इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। तो अपने को ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसको देंगे वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों समान आवेश होने के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षण कार्य करेगा। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपने को इसको क्या करना पड़ेगा? आवेश देना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, अपन ने लेसन नंबर 3 में पढ़ा था विद्युत विभव में क्या पढ़ा था कि वी इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर। अर्थात जब किसी चालक को क्या दिया जाता है? आवेश दिया जाता है। मान लीजिए दोनों कांस्टेंट हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आवेश। चार्ज के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। तो मैं इस चालक को क्या दे रहे हैं अपन? आवेश दे रहे हैं, और अर्थात चालक क्या कर रहा है? आवेश ग्रहण कर रहा है। तो क्या होगा बच्चों? इसका विभव भी बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा इसको आवेश दिया जाएगा उतना ज़्यादा इसका विभव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों कि मेरे को ऐसा लिखना चाहिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, लेकिन मैंने तो कल लिखा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बिग भाई, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्यों होता है? क्योंकि बेटा विभव किस पे डिपेंड करता है? आवेश पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको क्या करूँगा? अगर ज़्यादा विभव दे रहा हूँ तो इसका जो ज़्यादा अगर चार्ज दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो विभव भी इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में V वृद्धि हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात Q इज इक्वल्स टू, मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं बच्चों? प्रोपोर्शनल को उठा रहे हैं, तो C क्या है? समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। अर्थात
आवेश ग्रहण करने की क्षमता कहते हैं। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके बच्चों, ये धारिता क्या है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, समीकरण एक से मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, चालक की धारिता, चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? देखे बच्चों बिल्कुल इजी है कि मैंने चालक को आवेश दिया और विभव बढ़ गया। ओके, तो देखिए चालक की धारिता कितनी होगी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, दैट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये चालक की क्या है? धारिता है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। और देखिए दी क्या होती है, कांस्टेंट होती है प्रत्येक चालक की। ओके, जैसे पृथ्वी भी एक चालक है, इसकी धारिता जो होती है बहुत अधिक होती है। और मान लीजिए जैसे पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी पर किसी चालक को अपन ने रख दिया, तो इस चालक की भी धारिता क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बात पे। देखिए बेटा इसका मात्रक जो होता है, ऐसा ही मात्रक वो होता है फेरड। फेराडे नहीं होता है बच्चों, क्या होता है? फेरड होता है इसका मात्रक। इसका मात्रक होता है फेरड, और इसको अपन किससे डिनोटेट करते हैं? इसको एफ से डिनोटेट करते हैं। स्मॉल एफ भी लिख दो, कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं। आपको बुक में स्मॉल एफ भी लिखा मिलेगा, कैपिटल एफ भी लिखा मिलेगा। ओके, तो देखिए बेटा सी का अन्य मात्रक क्या होगा? सी जो होता है वो देखिए क्या होगा, सी का मात्रक यानी कि धारिता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता का मात्रक बराबर, या मैं पहले यहां से लिख देना चाहता हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सी बराबर क्यू अपॉन वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल जो होता है वो किसके? धारिता के इक्वल हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि किसी चालक पर आवेश इतना है और उसका विभव इतना है, तो उसकी धारिता कितनी होगी? अपन निकाल, आवेश दे रखा है, विभव दे रखा है, दोनों का अनुपात किया, क्या आ गई? धारिता आ गई। अब चलते हैं बच्चों, देखो सी का मात्रक मैंने बता दिया फेरड होता है, फेराडे नहीं होता है, फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक फेराडे इक्वल टू कितना होता है? तो देखिए सी का मात्रक बराबर क्यू यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक अपॉन वी यानी कि विभव, विभव का मात्रक। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सी का मात्रक इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्यू का मात्रक अपॉन वी का मात्रक। और क्यू का मात्रक क्या होता है बच्चों? बच्चों क्यू का मात्रक होता है कूलाम, और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और इसका मात्रक क्या होता है? फेरड। अर्थात एक फेरड इजुकस टू कितना हो जाएगा? एक कूलाम प्रति वोल्ट। अर्थात यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसका विभव कितना? एक वोल्ट हो जाए, एक वोल्ट वृद्धि हो जाए, तो उस चालक की धारिता क्या कहलाती है? एक फेरड कहलाती है। ओके बच्चों, तो एक फेरड की डेफिनेशन क्या है? एक फेरड इजुकस टू एक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और देट इज़ ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मात्रक वगैरह जब, वीमा वगैरह जब अपन क्या करते हैं, इसकी निकालते हैं। अब चलते हैं आगे की बात पर। ये फेरड जो होता है बच्चों, ये भी बहुत बड़ा मात्रक है इसका। ये फेरड भी क्या है? बड़ा मात्रक है, तो इसको छोटे छोटे मात्रक में अपन क्या कर सकते हैं? यूनिट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे एक माइक्रो फेरड इजुकस टू, पहले मिली से स्टार्ट कर लेते हैं, एक मिली फेरड 10^3 फेरड, और एक माइक्रो फेरड इजुकस टू 10^6 फेरड, और एक नैनो फेरड इजुकस टू 10^-9 फेरड, और एक पीको फेरड इजुकस टू हो जाएगा 10^-12 फेरड। ये होता है इसका मात्रक। देखिए बच्चों, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि ये जो मात्रक होता है इज़ ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स। अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो मात्रक अगर आपने गलत लगा दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, तो मात्रक्स को थोड़ा, यानी यूनिट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अगर आपने इसको नहीं उतारा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखो बच्चों, मैं निकालना चाहता हूँ धारिता की वीमा,
धारिता की विमा। अब धारिता की विमा कितनी कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, सी यानी धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभव। तो सी की विमा क्या होगी? इसकी विमा होगी आवेश की विमा A1T1 अपॉन विभव की विमा। अगर विभव की विमा, थोड़ा मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, इधर देखिए C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए धारिता की विमा, देखो बच्चों C बराबर क्या होता है अपना? C बराबर होता है Q अपॉन V। ओके, तो C की विमा क्या होगी? C की विमा होगी आवेश की विमा A1T1। और देखिए V बराबर होता है W अपॉन Q। ओके, तो देखिए V की विमा क्या होगी? M1L2T-2 और इसकी हो जाएगी A1T1। तो V की विमा कितनी आ जाएगी? फाइनली V की विमा आ जाएगी अपने पास में M1L2T- ये ऊपर जाके बन जाएगा 3A-1, ये आ जाएगी V की विमा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M1L2T-3A-1। आप निकालना, याद कोई नहीं रखेगा विमा को, सबको विमा निकालना समझाऊंगा मैं कैसे अपन निकालते हैं। अगर आपको इधर भी नहीं आई है समझ में तो मैं आपको दोबारा इधर समझा देता हूँ कैसे अपन इसको निकालते हैं। यहाँ पे अपन सब जानते हैं, मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था बेटा आवेश की विमा ढंग से पढ़ लेना A1T1 होती है। देखिए V बराबर होता है W अपॉन Q, यानी कि W की विमा होती है M1L2T-2। अगर W की विमा भी नहीं आती है तो W बराबर होती है F×D, बल × विस्थापन। तो बल की विमा होती है T-2 और इसकी होती है L1, तो हो जाएगी M1L2T-2। ओके स्टूडेंट्स, और क्योंकि कितनी होती है A1T1। ओके, और इसको फाइनली सोल्व करूँगा मैं तो M1L2 ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा T-3A-1, ये V की विमा हो गई। ओके, यहाँ पे मैंने V की विमा लिख दी है और A की विमा लिख दी है। अब जो जो चीज़ अपने पास में है उनको सबको ऊपर ले जाते हैं, M-1, L-2, यहाँ पर A1 है, T1 है, और T हो जाएगी ऊपर जाके प्लस की 3, और A ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 1, तो कितना हो गया M-1, L-2, और A कितना हो गया बच्चा A2 हो गया 2, और T कितना हो गया बच्चा T हो गया 4। यह आ गई इसकी विमा, ये धारिता की विमा आ गई अपने पास में। ओके बच्चों, तो विमा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, विमा क्या करना पड़ेगा आपको निकालना आना चाहिए फटाफटली, और कुछ कुछ विमाज आप याद भी कर लिया करो ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं नीट वगैरह की तो उसमें विमा पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद भी रख लिया करो थोड़ा सा। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपन आगे के टॉपिक पर। अब बच्चों बात करते हैं कि ये जो धारिता होती है चालक की वो किस किस बातों पे निर्भर करती है। ये दो तीन बातों पे निर्भर करती है। पहली आती है चालक का आकार पे भी निर्भर करती है, दूसरा आकृति पे भी निर्भर करती है, तीसरा आता है कि उस चालक के चारों ओर माध्यम क्या है उस पर भी निर्भर करती है, और चौथा आता है अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। अगर मान लीजिए अपन चालक की क्या बढ़ा दें, त्रिज्या बढ़ा दें या उसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो धारिता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा होता है अगर मान लीजिए इसके पास में इसके समीप कोई दूसरा अगर चालक ले आए तो विभव क्या हो जाता है, कम हो जाने से भी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से कई इफेक्ट होती है जो अपन आगे पढ़ते रहेंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपन, गोलीय चालक की धारिता। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता, इसको समझने कई बच्चे इसमें बहुत गलतियां कर जाते हैं, तो ढंग से इसको पढ़ो। गोलीय चालक की धारिता। ओके बच्चा, गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बेटा, गोलीय चालक अपने पास में कभी भी धारिता ज्ञात करना है तो V यहाँ पे होना चाहिए।
इस पूरे चैप्टर के अंदर यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास में वी है तो आप किसी भी चालक की धारिता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे गोली हो, चाहे बेलनाकार हो, चाहे कोई सा भी हो, अपने उसका वी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मान लीजिए अपने पास में गोलीय चालक है, ये अपने पास में क्या है, कोई गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या आर है। चूंकि चालक है तो चालक पर आवेश भी होगा, बिना आवेश के धारिता थोड़ी होंगी। पहले से अपन इसको आवेशित, ये क्यों आवेश से आवेशित है, ये जो चालक है वह किससे आवेशित है, कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित है। इसका आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है, और सारा आवेश कहाँ पर आ गया, इसके पृष्ठ पर आ गया। क्यों, क्योंकि जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो ड्यू टू कंडक्टर यानी कि जो चालक होता है उसमें वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स यानी आवेश को आसानी से फ्लो कर देता है, जिससे आवेश क्या करता है, गति करने लगता है, और गति करके क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगता है, और प्रतिकर्षित करके कहाँ आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। ओके बच्चों, तो देखिए बेटा, देखिए चालक पर आवेश कितना है, चालक पर आवेश क्यू के कारण, देखिए जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, क्यू के कारण चालक के पृष्ठ पर विभव। अब विभव कितना होता है, मैंने पढ़ा था कि ठोस चालक के पृष्ठ पर विभव होता है वी एस इजुकल्स टू के क्यू अपॉन उसकी त्रिज्या। तो यहाँ पे विभव आ गया वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके बच्चों, ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, अर्थात उसका विभव हो गया जब उसको चालक को क्या देंगे अपन, आवेश देंगे तो। ओके, अब आते हैं दूसरी बात पर, वी नो दैट चालक की धारिता, चालक की धारिता और धारिता होती है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, वी नो दैट धारिता सी इजुकल्स टू होता है क्यू अपॉन वी, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को दो में रखने पर तो C इक्वल टू आ जाएगा V की जगह अपन क्या कर देंगे बच्चों, ये रख देंगे, ये बटे की मेन लाइन है के क्यू अपॉन आर, दैट इज कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर, Q से Q कैंसिल हो गया, R कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो R अपॉन K। ओके बच्चों, और K क्या है, K इक्वल टू है 1/4 πε0। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, K का अपन को स्टैंडर्ड वैल्यू पता है अपने को 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आप यहाँ तक भी इस फॉर्मूले को रख सकते हैं। लेकिन अगर माध्यम अलग हो तो प्रॉब्लम आ जाती है, ये तो निर्वात के लिए है। ओके, तो मैं K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ R अपॉन 1/4 πε0, ये किसके लिए, निर्वात के लिए, मैंने इसको सी नोट इंडिकेट कर दिया है फॉर निर्वात, ये निर्वात के लिए। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, निर्वात में आ जाएगा, ये वाला टर्म्स ऊपर चल जाएगा 4πε0 r, अर्थात जो इसकी क्या होती है चालक गोलीय चालक की जो धारिता होती है बच्चों, ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको दे दो अपन ने कौन सा इक्वेशन दे देंगे, इसको इक्वेशन दे देंगे थर्ड। ओके बच्चों, ये चीज़ कांस्टेंट है तो मतलब सी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, यानी कि या यहाँ पे भी दे सकते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं बातें बता देता हूँ इस बात को, ये निर्वात की है। अब निर्वात के अगर अन्य माध्यम हो तो, अन्य माध्यम हो तो सी बराबर हो जाएगा 4πε r, और एप्साइलन बराबर होता है एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर, तो मैं लिख सकता हूँ माध्यम के लिए सी एम 4πε0εr, यहाँ पर एप्साइलन की जगह पर ने लिख दिया एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर, और इनटू में आ गया आर। देखिए बच्चों, मैं इसको आर, इस एप्साइलन आर को बाहर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 4πε0εr, और ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि ये क्या है, निर्वात की धारिताएँ सी नॉट, अर्थात अगर कोई एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का कोई माध्यम हो तो उसकी धारिता जो होती है वो एप्सिलॉन आर गुणा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, और ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इसके लिए है। ओके,
अब यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपरली आप उतारते रहिए बच्चों। आप उतारेंगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, तो आप उतारते रहिए, पेन और कॉपी लेके बैठा करो जब भी आपके पास में आपको पढ़ने का मूड होता है। अब देखिए बच्चों, अपन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। इक्वेशन नंबर के कहाँ पर चलते हैं, इक्वेशन नंबर 3 देखिए, इक्वेशन बाई इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 3rd से देखिए कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जो चालक की धारिता होती है वह त्रिज्या के क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके बच्चों, देखिए बेटा मेरे पास है मान लीजिए R1 तथा R2 त्रिज्या, त्रिज्या के दो चालक हैं, कौन से, गोलीय चालक हैं जिसकी त्रिज्या क्या है, जिनकी धारिताएं क्रमशः कितनी थी है, C1 बराबर के, यहाँ से या के नहीं सॉरी C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, दैट इज इक्वेशन 1st, या नोट डाल देता हूँ मैं नोट, और C2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, दैट इज इक्वेशन 1st। मैं देखिए इसको लिख सकता हूँ C1 अपॉन C2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। इससे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, तो ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अभी देखिए एक न्यूमेरिकल भी इसका करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्या हो सकता है इसका, आप दिमाग लगाइए कि इसका एक न्यूमेरिकल क्या हो सकता है जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ। देखिए क्या है इसका न्यूमेरिकल, देखो बच्चों मैंने कैसे लिख दिया इसको मैंने कैसे लिख दिया, मैं इसके लिखने का आपको तरीका भी बताता हूँ कि C1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 अपॉन के, C2 बराबर लिख सकता हूँ R1 अपॉन के, दोनों में डिवाइड करूँगा के से के कट जाएगा, C1 अपॉन C2 बराबर बच जाएगा R1 अपॉन R2। ओके बच्चों, तो देखिए अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल अपना बहुत ही आसान है, और न्यूमेरिकल क्या है वो देखिए, मान लीजिए किसी चालक की धारिता जब त्रिज्या R है तो धारिता है C धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी है, R है। यदि इस चालक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो धारिता क्या होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर C1 इक्वल टू कितना है, C, और R1 इक्वल टू R। C2 इक्वल टू ज्ञात करना है अपने को, C2 इक्वल टू ज्ञात करना है, और R2 इक्वल टू कितनी है, दोगुनी है। तो ये वाला अपन फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ ले लेते हैं, यानी कि C1 अपॉन C2 बराबर R1 अपॉन R2। ओके, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C2 अपॉन C1 बराबर R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं, ये वाला टर्म ऊपर ये नीचे। ओके, अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, अपन यहाँ पर C2 ज्ञात करना है तो उधर ले जाइए, अर्थात C2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 इंटू C1। अब सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सभी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R2 की जगह 2R, इसकी जगह R, इसकी जगह C, तो क्या हो जाएगा, C2 बराबर 2C, अर्थात पहले वाली धारिता की दोगुनी हो जाएगी। अगर मान लीजिए क्या कर दें अपन, इसकी क्या कर दें, त्रिज्या को बढ़ा दें। ओके, एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए, इसका बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है,
और वो न्यूमेरिकल क्या है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कोई सा भी देख लीजिए, 2.3 2.4 हो सकता है। पृथ्वी की धारिता ज्ञात करो, पृथ्वी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो इसको आप क्या करेंगे, 6400 × 1000 मीटर हो गया, r बराबर 64 × 10^5 मीटर हो गया। ये हो गई इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। ओके बच्चों, ये आ गई पृथ्वी की त्रिज्या। और c बराबर होता है r/k। अभी मैंने बताया था r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 64 × 10^5, और यहाँ पे कितनी r की वैल्यू, 9 × 10^9। और ये आ गई फेरड। ओके, इसको काटेंगे 10^4 बच जाएगी 4, और ये इसको करेंगे 9 × 54 = 9 × 7 = 63, 7 point something आ जाएगा इसका। 64 × 7 = 9 × 7 = 63 आ गया कितना, 1 लगाएंगे 0.0, 9 × 1 = 9, फिर आ गया 1 × 9 = 9, यानी कि अपने पास में आ गया कितना, C बराबर आ जाएगा 7.11 × 10^4 फेरड। ओके, अगर दो पॉइंट और हटाना चाहता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा 711 × 10^-2 × 10^-4, यानी कि C बराबर 711 माइक्रो फेरड आ जाएगी। ये देखो पृथ्वी की धारिता है, पृथ्वी कितना बड़ा है और उसकी धारिता माइक्रो में आई है, इतनी छोटी धारिता होती है देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, धारिता बहुत कम आती है इतने बड़े चालक की भी। अब अपन चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सिर्फ उसके बारे में अपन क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। ओके, और अब पढ़ेंगे अपन संधारित्र, संधारित्र कैपेसिटर, संधारित्र होता है कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है, अपने पहले के ज़माने में जो ट्यूबवेल्स वगैरह चलाते थे वहाँ पे क्या लगाता था, कैपेसिटर लगा देते थे ताकि वो, और आजकल उसको क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, शक्ति बोलते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, यानी कि संधारित्र जो होता है वो विपरीत आवेशों के चालकों का युग्म होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। यानी कि एक इसमें दो प्लेट होती है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। ये वाली तो क्या होती है, इसमें तो बेटा नेगेटिव होती है, और ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये संधारित्र होता है और ये क्या करा रहता है, कुचालक स्टैंड के ऊपर ये प्लेटें रखी होती है। ओके बच्चों, और देखिए संधारित्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, संधारित्र को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो बिल्कुल समांतर ऐसे लाइन खींचेंगे, दोनों की बराबर होगी। ये तो नियत धारिता का संधारित्र है, और अगर परिवर्तित है तो अपन वहाँ पे लिख देंगे बच्चों क्या, ये दोनों समांतर होगी बेटा, ऐसे कर देंगे इसके ऊपर, तो परिवर्तित धारिता का संधारित्र है। ये तो परिवर्तित धारिता का संधारित्र है और ये नियत धारिता का संधारित्र है। और संधारित्र क्या होता है, संधारित्र दो समान तथा विपरीत आवेशों से आवेशित चालक प्लेटों का एक युग्म होता है। यहाँ पर एक दो प्लेट होती है इसके अंदर, जिस पर एक पर पॉजिटिव आवेश होता है एक पर नेगेटिव आवेश होता है, दोनों पर आवेश की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात इसका कुल आवेश जो होता है क्यू टोटल, वो होता है 0, क्योंकि जितना इस पर आवेश होगा उतना ही इस प्लेट पर आवेश होगा। तो पूरे संधारित्र, पूरे कैपेसिटर की अगर मान लीजिए चार्ज अपन फाइंड करना चाहते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। ओके बच्चों, तो संधारित्र किसे कहते हैं, दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों से आवेशित चालक प्लेटों का एक युग्म होता है, जिस पर आवेश की
मात्रा संचित की जा सकती है, उचित मात्रा संचित की जा सकती है। उसको अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं संधारित्र। ओके, और अब अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। देखे बच्चों, मैंने आपको कल ही बताया था पढ़ने का एक आपका फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, रीड मतलब स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पढ़ने का फिक्स टाइम होना चाहिए। फिजिक्स को मैं इतनी देर पढ़ूंगा, केमिस्ट्री को इतनी देर पढ़ूंगा, और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स को इतनी देर पढ़ूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।